चैप्टर थ्री मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1, ए नंबर है आपका 64। सो मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द नंबर और फंक्शन। नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स और द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स डिनोटेड इन द फॉर्म कैपिटल ए एस पी एंड द डैश। किसी में हम यूज कर सकते हैं, कैपिटल वर्ड में लिखते हैं हम उसको मैट्रिक्स को, इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसमें। ओके, सो देयर एलिमेंट्स स्मॉल ए आई जे, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। सो मैट्रिक्स ए एम बाई एन इज इक्वल टू एलिमेंट्स, फर्स्ट रो A11, A12, A13, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो A21, 22, 23, A11 एंड A21 फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम A12, A22, एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम A13 एंड 23। सो इन फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपका जो पार्ट होते हैं रो होते हैं और वर्टिकल में हमारे कॉलम होते हैं। M और N, M इज द नंबर ऑफ रो और N इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर राइट इन द ऑर्डर M बाई N, इसको रीड भी कर सकते हैं M बाई N। तो M डिनोट करेगा आपको रो को, N डिनोट करेगा आपको कॉलम को। ओके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स M बाई N ऑर्डर में विल बी इक्वल टू M बाई N। सो मैट्रिक्स A इज ऑल्सो रिटन इज मैट्रिक्स, आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है आपको। इसमें ए आई जे ये एलिमेंट्स होते हैं एम बाई एन, आई इज ए रो एंड जे इज ए कॉलम एलिमेंट्स रखेंगे, उसके लिए पार्ट हमारा बन जाता है। सब टेकिंग ए एग्जांपल टू, इफ मैट्रिक्स हैज एट एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो टोटल एलिमेंट प्रोडक्ट ऑफ एम बाई एन यानी मल्टीप्लाइड ऑफ एलिमेंट ऑफ रो एंड मल्टीप्लाइड ऑफ नंबर ऑफ कॉलम, तो एम बाई एन। सो टोटल एलिमेंट्स 8, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, सो कंटेन 8 एलिमेंट्स, एम एन इक्वल टू 8। सो मल्टीप्लाइड इसमें करेंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर में हमारा होता है हमारा 1, 8, 8, 1, 2, 4, 4, 2। तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये नंबर बन जाते हैं 1, 8, 8, 1, 2, 4, 4, 2, यानी मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, इस तरह के आपको पेयर बनाना है। इसको हमें लिखना ऑर्डर पेयर में, तो पहले रो होता है फिर इसके बाद हमें कॉलम। 1/8 इट मींस 1 इज रो, 8 इज कॉलम। 8 × 1, 8/1, 8 इज रो एंड 1 इज ए कॉलम। 2/4, 2 इज रो, 4 इज कॉलम। 4/2, 4 इज रो एंड 2 इज ए कॉलम। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनते हैं, जितने भी हमारे बना सकते हैं उतने हम इसमें बना सकते हैं। नंबर कोई भी दिया है, 13 का दिया हुआ है, 13 का क्या होगा 1 × 13, 113 एंड 31 दोनों के लिए हमारे एलिमेंट समान बन जाते हैं, जितने हमारे इसके पेयर बनते हैं उतने हम बना सकते हैं इसको। सेकेंड इज सेम एग्जाम्पल, टेकिंग एग्जाम्पल, तो कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स whose the elements are given by a I j is equal to 1/2 more i minus 3 j। अब इससे आपको मैट्रिक्स बनाना, कंस्ट्रक्शन करना है, कितने का मैट्रिक्स बनना, 3/2 यानी 3 कॉलम रो और 2 इज ए कॉलम। सो फर्स्ट आपका आ जाता है इसमें a11, a12, a21, 22, a31, 32। नाउ a I j is equal to 1/2 i minus 3 j, i is equal to 1 2 3 and j is equal to 1 2। So therefore A11 is equal to 1/2, 1 − 3, 1, A12 is equal to 1/2, 1 − 3 × 2, 5/2, A21 is equal to 1/2, 2 − 3, 1/2, A22 यानि 2 हो गया, A31 हमारा जो पार्ट है आपका 0, A32 कितना हो जाएगा हमारा 3/2। यानि the required matrix is given by A 3/2, 1, 5/2, 1/2, 2, 0, 3/2। ओके, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स, तुम्हारे ये डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं इसमें, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स।
सो फर्स्ट आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स राइट इन द वर्टिकल फॉर्म. सो मैट्रिक्स सेट टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इट हैज ओनली वन कॉलम. फॉर एग्जाम्पल ए 1 4 3 वर्टिकल में लिखेंगे आप इज ए कॉलम मैट्रिक्स. ऑफ ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 by 1. 1 कॉलम है और 3 आपका रो. रो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन्स ओनली वन रो एक ही रो हॉरिजॉन्टल में होती है. फॉर एग्जांपल 1 5 4 3 ये रेक्टेंगल और हमें होता है हमारा अरेंजमेंट होता है इसमें इज ए 1 by 4. तो रो मैट्रिक्स एन 4 आल्सो रो मैट्रिक्स 1 by 1 और रो मैट्रिक्स मीन्स होता है एक रो हो और बाकी अपना कॉलम में भी होते हैं बट ओनली एक ही होता है उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे. इसके साथ रीड करेंगे ओके. तो ये हमारा रो मैट्रिक्स में आपको दोनों एग्जांपल लेकर बताया मैंने आपको 1 by 1 ऑर्डर का भी है और हमारा 1 by 4 ऑर्डर का भी. इसके बाद आता हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स आर इक्वल यानी m by n में m इज इक्वल टू n या n इज इक्वल टू m दोनों इक्वल होते हैं वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम दोनों इक्वल 2 by 2 3 by 3 1 by 1. तो ये हमारे कौन से होते हैं एलिमेंट जो पार्ट होता है ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है m इज इक्वल टू n ओके. तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं a इज इक्वल टू 2 3 4 5 तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 by 2. सो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर इक्वल सो दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट आता हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पार्ट होते हैं लेट v इज इक्वल टू -1 0 0 से 2 इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 दैट इज ए मैट्रिक्स b इज सेट टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ b i j इज इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इज इक्वल टू j. तो इसमें जो हमारा पार्ट होता है इसके साथ जब भी किसी भी पार्ट को लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं. डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं हमारे एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल्स वाले a11 a11 a22 a33 ये हमारे डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं. अदर जो पार्ट होते हैं वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते ओके. तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स और नॉन जीरो डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 और डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0 आर डिफरेंट दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स. इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स के अंदर क्या पार्ट होता है आपका ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे जो पार्ट होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे इक्वल. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक एग्जाम्पल बी ले लिया हमने तो एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स में ये 2 by 2 का है इसमें -1 0 0 -1 तो -1 -1 a11 और a22 आर दोनों इक्वल हैं. टेक लेफ्ट मैट्रिक्स सी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल √3 √3 √3 √3 अदर जो दिए हैं एलिमेंट इसमें हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके होते हैं हमारे पार्ट होते हैं इसमें स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0 होते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हमारा या इसको हम कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बट इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे 1 1 होते हैं यूनिट होते हैं 1 a11 a22 a33 आर 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे 0 होते हैं. तो इसमें कॉल्ड ए यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 and all diagonal elements are unity. Unity यानी 1. Let a is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
So is A unit matrix of order 3 by 3. A unit matrix is also known as a identity matrix. Okay, identity matrix. Zero matrix, a matrix said to be zero matrix or null matrix if all its elements are zero. So matrix A is equal to 0, 0, 0, 0. It denoted by zero matrix by O. So equal matrix, the row 2 matrix are called equal if the matrix are of same order and their corresponding elements are equal. So equal elements, corresponding elements are equal. So this is a equal matrix. Let A matrix given hai, B ye given hai, dono ka order hamare equal hai, m by n, dusre ka bhi hamare m by n. Tabhi ye two hamare equal matrix honge. Exercise 3.1, page number 64. So first aapka diya hai, isme question hai, ye hamara exercise 3.1 ka page number hai aapka 64. ओके okay? इसमें हमारा पार्ट जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में एक मैट्रिक्स दिया है ए. ये हमारा मैट्रिक्स है 3x4, 3 रो हैं और 4 हमारे कॉलम दिए हुए हैं. ये हमारे रो और 4 हमारे कॉलम हैं. तो इसके अंदर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है इसके साथ मैट्रिक्स ए में, तो ये हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2, 5, 19, -7. सेकेंड रो के एलिमेंट हैं 35, -2, 5/2, 12. और थर्ड रो के हमारे एलिमेंट हैं √3, 1, -5, 17. तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. थर्ड में दिया है राइट द एलिमेंट्स a31, a21, a33, a24, a23. सॉल्यूशन इसका निकालना हमें फर्स्ट में इन द गिवन मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 4. देयरफॉर ऑर्डर एज द मैट्रिक्स इज 3x4 फर्स्ट पार्ट. सिंस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3x4 सो देयर आर टोटल एलिमेंट्स इन इट द 3x4 यानी 12. टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे इसके साथ. क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव. व्हाट इज द सेकंड, इसका सेकंड पार्ट है आपका व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ हैज एलिमेंट 13. सो फर्स्ट के लिए टोटल नंबर एलिमेंट कितने गिवन है आपको 24. तो so, m into n is equal to 24. अब इसके हम पार्ट करना है, इसे मल्टीप्लाई करना चाहिए 24. इसके हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे इसके साथ. तो हमारा जो ऑर्डर पेयर हैं इसके 1, 24, 2, 24 by 1, 2, 12, 12, 2, 3, 8, 8, 3, 4, 6, 4. अब देखिए इनका m और n की जो वैल्यू ली हमने, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 24 आना चाहिए आपका. तो ये हमारे ऑर्डर हो जाते हैं, ऑर्डर पेयर हो जाते हैं. अब आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने हैं. तो पहला जो होगा हमारा रो होता है, सेकंड क्या होता है कॉलम होता है 1x24. तो 1 इज अ रो एंड 24 इज अ कॉलम. 24x1, 24 इज अ रो एंड 1 इज अ कॉलम. 2x12, 2 इज अ रो एंड 12 इज अ कॉलम. सेम 12x2, 3x8, 8x3, 4x6, 6x4. 6x4 6 इज अ रो, 4 इज अ सॉरी बेटा ऐसा नहीं, उसमें जाकर के तो थर्ड एलिमेंट के लिए हम लेंगे 13 एलिमेंट है उसके लेंगे 1x13 एंड 13x1. टोटल एलिमेंट हमारे 13 दिए थे, उसके दो ही पार्ट बनते हैं 1x13 एंड 31. ये ऑर्डर पेयर हो जाएंगे. अब एलिमेंट हमें मैट्रिक्स लिखना है तो मैट्रिक्स फॉर्म में होता 1x13 एंड 13x1. 1 इज रो, 13 कॉलम, 13 रो एंड 1 इज कॉलम. सो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5. तो इसमें हम मेकिंग ए मैट्रिक्स ए व्हिच द ऑर्डर इज 3x4 मैट्रिक्स. So consider elements are given by aij is equal to i plus 2j the whole square upon 2. I
So it is a row and j is a column. So solution given by 3 by 4 matrix banana hai. Capital A, let 1 1 a 1 2 1 3 1 4 a 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4. So a ij is equal to I plus 2j ka whole square upon 2. So a 1 1 तो i इज इक्वल टू 1 पुट करना है, j इज इक्वल टू 1 पुट करना है राइट हैंड साइड में. तो a 1 1 आ जाएगा 9 बाई 2, a 1 2 इज इक्वल टू 25 बाई 2. इसमें हमें 1 i की वैल्यू पुट करनी है, 2 j की वैल्यू पुट करनी है, 1 3 i इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 3. तो इस तरह से हमने a 1 1 की वैल्यू 9 बाई 2, a 1 2 की वैल्यू 25 बाई 2, a 1 3 की वैल्यू हमारी आती है 49 बाई 49 by 2, A 14 81 by 2, A 21 16 by 2, A 22 36 by 2, A 23 64 by 2, 24, A 24 is equal to आपका इसमें बाहर टाइम तो 100 by 2, A 31 25 2, 32 49 by 2, A 33 is equal to 9 by 81 by 2. तो मैट्रिक्स ए इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए 1 1 ए 1 2 1 3 3 1 ये वैल्यू पुट करके ये मैट्रिक्स बन जाएगा रेक्टेंगुलर में. इसमें हमारे तीन रो हो जाएंगी, चार कॉलम आ जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तभी इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे. ऑर्डर हमारा यदि सेम है तो वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होते. जब दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं तो उनके करस्पोंडेंस एलिमेंट आल्सो इक्वल होते हैं. लेफ्ट में देखेंगे एलिमेंट दिया हुआ है, फॉर टेकिंग एग्जांपल लेके चलते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी आई अपॉन 9, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7. तो ये पहला वाला जो दिया हुआ है ऑर्डर आपको 3 बाई 1 दिया है. सेकंड में भी देखो 3 बाई 1 दिया है, इनके ऑर्डर दोनों के सेम है तो इनके करस्पोंडेंस एलिमेंट क्या होंगे, माने इक्वल होंगे. तो फर्स्ट लेफ्ट में जो दिया हुआ है एलिमेंट a11 का एलिमेंट दिया है x प्लस y प्लस z, और इधर कितना दिया 9 दिया है. तो इसको वैल्यू को हम पुट करेंगे इसके अंदर. तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 फर्स्ट इक्वेशन डालेंगे, x प्लस z इज इक्वल टू 5 सेकंड इक्वेशन, y प्लस z इज इक्वल टू 7 थर्ड. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सो वी हैव y प्लस 5 इज इक्वल टू 9 तो y इज इक्वल टू 4, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7 z इज इक्वल टू 3, x plus z is equal to 5, so x is equal to 2. So hence, x is equal to 2, y is equal to 4, and z is equal to 3. Okay? So, ये हमारा part हो जाता है. Same इसी तरह से question number 7 है आपका. Question number 7 में हमें find the value of A, B, C, and D. Find the value of A, B, C, and D from the equation. तो ये हमारे दो matrix दिए हैं, दोनों equal दिए हुए हैं. तो लेफ्ट में 2 बाई 2 का ऑर्डर है और राइट में भी हमारा 2 बाई 2 है, तो दोनों हमारे इक्वल होंगे. तो इनके करस्पोंडेंस एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं. करस्पोंडेंस एलिमेंट में हमारा जो पार्ट बनेगा आपका फर्स्ट एलिमेंट है a11, वो a माइनस बी, और राइट की तरफ क्या दिया आपको माइनस 1 दिया उसके करस्पोंडेंस. इसी तरह से a22 पहला होता है 12, 12 दिया 2a + c = 5. इसी तरह से आपका 22 2a - b = 0, a22 2 इसमें मान दिया हुआ है कितना दिया 3c + d = 30. तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 ये हमारे चार इक्वेशन दिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने निकाला तो यहां से 2 के अंदर वैल्यू जो दिया 2a - b = 0, तो हमने यहां से b की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू होती है a + 1, तो हमने यहां से रख दिया वैल्यू. तो ये बन जाएगा आपका a - 2a = - 1, b की वैल्यू पुट करने पर तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 1. इसी तरह से इक्वेशन फ्रॉम 3 से हमने निकालते हैं तो इक्वेशन 1 2 3 4 तो 2 से वैल्यू फाइंड करिए a इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 3 से फाइंड करेंगे तो वहां से c इज इक्वल टू 3 हो जाता है, इक्वेशन 4 से हमने सॉल्व किया d इज इक्वल टू 4 हो जाता है. ओके 4 तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 3 एंड d इज इक्वल टू 4. क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है. तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एम इज इक्वल टू एन, ये ऑब्जेक्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है. तो इसमें हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो सी होगा, इसमें
m by n, m is equal to n. So number of row and number of column are equal होते हैं, there are a square matrix. So m is equal to n. Correct answer कौन सा होगा हमारा? m is equal to n. This is the answer. Question है आपका 9. Question number 9. Which of the given values of x and y make the following pairs of the matrix equal? तो इसमें हमारे दो मैट्रिक्स दिए हैं. पहला जो मैट्रिक्स है लेफ्ट वाला वो 2 बाई 2 का दिया हुआ है, राइट वाला भी 2 बाई 2 का दिया हुआ है. जब टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करस्पोंडेंस एलिमेंट्स आर इक्वल. तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए 11 एलिमेंट वो दिया 3x प्लस 7 और राइट की तरफ पर ए 11 कितना दिया 0. तो इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 3. सेकेंड आपका दिया हुआ है बाई माइनस 2. राइट हैंड साइड में देखो ए 12 की वैल्यू जो दी है वाई माइनस 2 दी है और लेफ्ट में जो दी है 12 की वैल्यू 5 दी है. तो वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 5. तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7. वाई इज इक्वल टू 7. इसी तरह से आपका 2 माइनस 3x ये हमारा 2 इसमें जो दिया हुआ है 2 लेफ्ट का दिया हुआ है और राइट का 2 कितना दिया 4 दिया है. तो इसको इक्वल रखेंगे 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. सेम इसी तरह से y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7. तो y इज इक्वल टू 7 है और x की दो वैल्यू आ रही है आपकी. x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? माइनस 7 बाई 3 और एक वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3. तो माइनस 7 बाई 3 x और 2 बाई 3 इट इज नॉट एग्जिस्ट. ये दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट है ये दोनों वैल्यू. करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या रही है हमारी? डिफरेंट. इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ये हमारे दोनों हमारे जो मैट्रिक्स हैं जो दिए हुए हैं विच, तो इसमें हमारा आंसर रॉन्ग होगा आपका. ये दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल नहीं हैं. इक्वल मैट्रिक्स तभी होंगे जब एक्स की वैल्यू हमारी दोनों की सेम होगी. तो एक्स की वैल्यू पूरे मैट्रिक्स में सेम होनी चाहिए, वाई की वैल्यू भी हमारी सेम होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू हमारे डिफरेंट है. सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 एंड एक्स इक्वल टू 7 बाई 3. तो वी फाइंड दैट ऑन कंपेयरिंग द करस्पोंडेंस एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिक्स. तो इसके अंदर हमारे जो दिया है तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, विच इज नॉट पॉसिबल. सो हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द गिवन मैट्रिक्सेस आर इक्वल. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ द ऑर्डर 3 बाई 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 ईच. तो इसके अंदर हमारे जो मैट्रिक्स है 3 बाई 3 तो टोटल एलिमेंट कितने बनने चाहिए आपके? 9 बनने चाहिए आपके 3 बाई 3. एम की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू भी 3 है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 9. लेकिन एक ही एलिमेंट दो को आपको कर रहा है, वो कहता है ईच एंट्री 0 और 1. सो हमारे जो पार्ट होंगे 9 एलिमेंट होंगे और ईच ऑफ दीज एलिमेंट कैन बी 0. ठीक है, कैन बी आइदर 0 और 1. सो नाउ ईच ऑफ द 9 एलिमेंट कैन बी फिल इन टू पॉसिबल वैल्यूज. कितने उसमें भरा जा सकता है? 2 वाले में. पॉसिबल हमारे वे जो होते हैं इसमें लिख सकते हैं दो तरह से. तो देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मेथड से हम करेंगे प्रिंसिपल से इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स इज 2 बाय 2 की पावर 9 और 2 की पावर 9 कितना होता है हमारा 512. दिस इज टोटल हमारे ये पार्ट बनते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे, नंबर होते हैं. टोटल नंबर कितने होंगे? 512. तो ये हमारे करेक्ट आंसर है. तो हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 ये कंप्लीट होती है. इसमें हमारे 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, जो प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है, इसी तरह से सेम सबसे पहले एग्जाम्पल देखना है, इसके बाद ये आगे वाले क्वेश्चन करने हैं. जितनी भी आपकी डेफिनेशन होती हैं वो आपको सबको सॉल्व करना है. ठीक है, तुम्हारो इसमें हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है. हमारे पास आते हैं दो मैट्रिक्स को एडिशन करना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस. कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है एडिशन से रिलेटेड.